दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। ये है कुसुकबको लारिमपोची एयरपोर्ट जो कि लद्दाख के लेह में है। ये एयरपोर्ट मीन सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की हाइट पर बना है, इसीलिए ये इंडिया में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ एयरपोर्ट है। साथ ही चारों तरफ पहाड़ी एरिया होने के कारण ये एयरपोर्ट काफी खूबसूरत भी दिखता है। वर्तमान में ये एयरपोर्ट काफी छोटा है, यहाँ फैसिलिटी की भी कमी है। इसके बावजूद ये एयरपोर्ट इंडिया का 23rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन जल्द ही इस एयरपोर्ट का विस्तार होगा। लेह एयरपोर्ट में वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है और इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं सापुरजी पालोनजी। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग कैसा होगा और कब तक बनकर तैयार होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। दोस्तों ये है लेह, लद्दाख की कैपिटल सिटी, और लद्दाख का सबसे बड़ा शहर भी लेह ही है। लोकल लोगों के मूवमेंट के साथ साथ काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी लेह लद्दाख घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ कोई रेल लाइन नहीं है, हालांकि दो दो रेल लाइन प्रपोज्ड है, लेकिन यहाँ पर अभी रेलवे की कोई सर्विस नहीं है। रेलवे तो है ही नहीं, हाईवे का भी बहुत बुरा हाल है। दो नेशनल हाईवे लेह को बाकी देश से कनेक्ट करता है। एक है NH1 जो कि लेह लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करता है, और सेकेंड हाईवे है लेह मनाली हाईवे। लेकिन ये दोनों हाईवे केवल जून से अक्टूबर तक ही ट्रैफिक के लिए ओपन रहता है, यानी कि साल में 6-7 महीने ये दोनों हाईवे बंद ही रहता है। तो रेलवे तो है ही नहीं, हाईवे भी साल में 6-7 महीने बंद ही रहता है, तो लेह के लोगों के पास एकमात्र ऑप्शन होता है एयर, यानी कि हवाई जहाज। वर्तमान में लेह से दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और श्रीनगर के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट जैसे एयरलाइन की सर्विस अवेलेबल है। लेकिन न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के बाद फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और नए नए डेस्टिनेशन के लिए लेह से फ्लाइट अवेलेबल होंगे। चलिए अब देखते हैं न्यू टर्मिनल बिल्डिंग कैसा होगा। लेह एयरपोर्ट पर बनने वाला न्यू टर्मिनल बिल्डिंग 19,885 स्क्वायर मीटर एरिया में बन रहा है। इस टर्मिनल बिल्डिंग का एस्टिमेटेड बजट है 480 करोड़ रुपये। सेप्टेम्बर 2018 में सापुरजी पालोनजी को इस टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 3 साल में इसे कंप्लीट करना था, यानी कि इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन है सितंबर 2021। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया था और मई 2019 से टर्मिनल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी तेजी आई। वर्तमान में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है और ओवरऑल लगभग 40% वर्क कंप्लीट हो गया है। डेडलाइन तो है सितंबर 2021, जिसमें अभी मात्र 4-5 महीने का टाइम बचा है, तो ये डेडलाइन तो फेल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में ये टर्मिनल बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेह एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के बनने से एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, लेकिन सभी लोग तो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस एरिया में रेलवे की कनेक्टिविटी और हाईवे का इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। तो इस एरिया में हाईवे को इम्प्रूव किया जा रहा है। NH1 पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए इस रूट में 3 मेन टनल बनाया जा रहा है, जो जिला टनल, जेडमोर टनल और काजीकुंड बनिहाल टनल। तो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इन टनल के लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ लद्दाख के लिए रेल कनेक्टिविटी के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिटेल में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।